जी सर, आज हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आपके पास है, मैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा इसका। उसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आपके पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। हम कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज में किस तरह जोड़ते हैं ये आपको पता है। कैपेसिटर का सिंबल होता है, टू पैरेलल प्लेट्स को शो करता है। ये टू सर पैरेलल स्क्रीन तो प्लेट्स, शेयर करें। ये आपके पास कैपेसिटर का सैंपल है, टू पैरेलल प्लेट्स को शो करता है। थ्री कैपेसिटर हैं जो आपके पास बैटरी से कनेक्ट हैं। ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ये पहली प्लेट पे पॉजिटिव और राइट वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, इसकी मैन फील्ड होती है। हम तीन कैपेसिटर को इस तरह कंबाइन करें कि इनके दरमियान में बैटरी आ जाए। इन तीनों को कनेक्ट करने के बाद इनके साथ हम बैटरी अटैच कर दें, तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे कैपेसिटर की बात हो रही है ना, तो ये ध्यान में अपने फार्मूला रखना। Q इज इक्वल टू सी वी, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। Q इज इक्वल टू सी वी कैपेसिटर के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे चार्ज की और वोल्टेज की बात होगी। चार्ज ईच कैपेसिटर गेट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। इसमें चार्ज होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं, यानी इसमें चार्ज होंगे वो सेम होंगे, जबकि वोल्ट जो है वो डिफरेंट होगा। एज अ रिजल्ट चार्जिंग ईच कैपेसिटर गेट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू ऑन ईच अदर इट्स प्लेट्स, यानी चार्ज की अमाउंट जो है वो इक्वल होगी, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस वी मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपके पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वी, अगर इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस का सम करें, यानी डिफरेंट होंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो सम करें तो वो तब इसके जाके इसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होगा। यानी कि हम इसको यूं ले सकते हैं, V इज इक्वल टू V1, V2, V3। पोटेंशियल डिफरेंस सब में डिफरेंट होता है, चार्ज इन सब में सेम होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल है, याद रखना, चार्ज सेम होगा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो V1 इज इक्वल टू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1, V2 इज इक्वल टू Q ओवर C2, एंड V3 इज इक्वल टू Q ओवर C3। तो इनको आप इन तीनों को आप इस क्वेश्चन में पुट करें, V इज इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस क्यू ओवर सी थ्री। यहां से क्यू कॉमन ले लें, वन ओवर सी वन, वन ओवर सी टू, वन ओवर सी थ्री। यहां से अगर आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, Let C be the capacitance of an equivalent capacitor, which would be the same charge when the potential difference V is applied. जब इस पे हम potential difference V apply करेंगे, तो इसका charge जो है वो क्या होगा, वो same होगा। तो Q over C equivalent, V किसकी equal होता है? इस formula के according, मैं आपको बताता हूँ। इस formula के according जो V है वो किसकी इक्वल है, C वहां जाके डिवाइड करेंगे तो फिर जाके V इक्वल होगा ना। यानी ये जो V लिखा हुआ था ना, ये वाला V, इसकी जगह पे मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग C को डिवाइड करता हूँ, तो ये V इक्वल हो जाएगा
ओवर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्यू वन ओवर सी वन, वन ओवर सी टू, वन ओवर सी थ्री. ये क्यू इक्यू से कैंसिल हो गए, तो वन ओवर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन ओवर सी वन, वन ओवर सी टू, वन ओवर सी थ्री. ये इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ? जी सर. बच्चों बताएं आप लोग, क्लियर हो गया सबको? जी सर. नेक्स्ट आपके पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम तीन कैपेसिटर को इस तरह जोड़ते हैं कि उनके दरमियान में बैटरी ना आए, उनके आउटसाइड पे बैटरी आएगी. चाहे आप इनका स्ट्रक्चर किसी तरह भी बना लें, लेकिन आप बैटरी को अपने आउटसाइड पे पुट करना होगा. मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ. ये स्ट्रक्चर एक बना हुआ है, तीनों को पहले आपने जोड़ा है और आउटसाइड पे बैटरी लगाई है. बैटरी असल कनेक्शन होता है सीरीज पैरेलल में बैटरी का, तो याद रखना आपने तीन को पहले कंबाइन किए, इनके दरमियान में कुछ नहीं है, बैटरी आपने बाहर लगाई है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. उनमें देखें मैंने तीनों को एक वायर जोड़ा था, दूसरी वायर सबके साथ देखें बैटरी आगे बीच में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था. अब मैं इसका स्ट्रक्चर अगर चेंज करूं तो आपको पता होना चाहिए, ये कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, तो यहां अगर मैं बैटरी लगाता हूं, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन तीनों के दरमियान में कुछ नहीं है, बैटरी नहीं है, जिस वजह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. बैटरी मैंने बाहर लगाई हुई है, ये वी वोल्ट, जिस वजह से ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का. इस तरह और भी हो सकते हैं, बस कंसेप्ट आपको ये होना चाहिए कि बैटरी इनके दरमियान में नहीं आएगी, बैटरी बाहर पुट होती है, लेकिन सीरीज में बैटरी दरमियान में आ जाती है इनके. ये मेन कंसेप्ट. अगर आप स्ट्रक्चर ये बना दें और आंसर ये लिख दें, सारा गलत हो जाएगा. असल चीज डायग्राम में याद रखना, सीरीज और पैरेलल वाली. ये मैंने आपको सिर्फ डायग्राम का स्ट्रक्चर बताया. अब इसमें वो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम. पहले वहां पे सीरीज में चार्ज सेम था ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी जो वी है ना तीनों में सेम होगा लेकिन चार्ज डिफरेंट होगा. वहां पे चार्ज सेम था, यहाँ पे चार्ज डिफरेंट होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. ये ओल्ड प्रोसेस होता है सीरीज का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का. देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, वी इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू, यानी वी सब में सेम है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, जिसमें प्लस वाली बात आ जाए वो डिफरेंट होती है वो चीज. ये देखिए यहाँ पे चार्जेस में प्लस आ गया, क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री. फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्यू वन इज इक्वल टू सी वन वी, क्यू टू इज इक्वल टू सी टू वी, क्यू थ्री इज इक्वल टू सी थ्री वी. जो आपने डिफरेंट जो चीज होती है डिफरेंट, उसी को आपने फाइंड करना होता है, वन टू थ्री लिखना होता है. वी देखें सब में सेम है, इसमें वी है, इसमें वी है, इसमें वी है, वी वन वी टू वी थ्री नहीं लिखा हुआ यहाँ, सब में वी वी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सब वी जो है वो सेम है, देखें बराबर है. तो सी इक्विवेलेंट निकालें यहाँ से, वी यहाँ से कॉमन ले लें, ये वी वी से कैंसिल हो जाएगा. इसमें से अगर आप v कॉमन लेते हैं, ये कॉमन लिया हुआ है, ये v और ये v कैंसिल हो गए, तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c1 + c2 + c3. ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फार्मूला है. ये सिंपल था, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप खुद करना, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा दिया. ये क्लियर हुई है बात बच्चों? जी सर. जी सर. सर्किट ध्यान में रखना अपने, सर्किट ये बहुत मेन चीज है. ये अगर भूल गए ना आप लोग, पैरेलल में ये लगा दिया और सीरीज में ये लगा दिया सर्किट, तो आपका सारा क्रॉस हो जाएगा, चाहे आपने बिल्कुल सारा ठीक लिखा हो, सर्किट थोड़ी बनाना है. अब है नेक्स्ट आपको टॉपिक है जो समझाने वाला है, वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. इसको जरा देखना आप लोग,
इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस, पोलराइजेशन, असल में लफ्ज है पोलर, पोल्स जो पोल्स बनते हैं उसको पोल से पोलराइजेशन बनाया गया है। कि पोल्स क्या होते हैं ये मैं आपको इस टॉपिक में समझाऊंगा कि पोलराइजेशन क्या होती है। और ये जो मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा ना इसमें एक और क्वेश्चन का आंसर भी है। ज्यादा मैंने आपको समझाया था कैपेसिटर में कि जब हम कैपेसिटर के अंदर एयर पुट करते हैं यानी एयर होती है तब उसकी कैपेसिटेंस कम होगी बनिस्बत जब हम कोई इंसुलेटर बीच में प्लेस कर दें, कोई इंसुलेटर मटेरियल प्लेस करें ना तब इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। When the dielectric is inserted between the plates of a capacitor, जब इस कैपेसिटर के दरमियान हम कोई dielectric प्लेस करेंगे, then it is seen that charge storing capacity of a capacitor is enhanced the dielectric, बढ़ जाती है जब कोई मटेरियल प्लेस करते हैं इसके अंदर। अब वो कैसे करते हैं और कैसे बढ़ती है ये भी इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सही है। ये प्लेट है आपके पास, एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है। आपने बीच में एक इंसुलेटर प्लेस किए, इंसुलेटर को प्लेस कर दिए। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस। अब जब इंसुलेटर को प्लेस किया है इंसुलेटर के अंदर क्या होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी एटम्स लगा लें आप। एटम किस तरह का देखें, ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे इसके अंदर ऐसी बात है ना, इसके एटम कैसे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, जी बच्चों ये इंसुलेटर है बीच में, हाँ इंसुलेटर है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर होता है। डाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, डाई का मतलब टू, ये टू चार्ज कैसे बनेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल मैंने प्लेस किया है इसके अंदर ये जो एटम है ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह होते हैं, एटम का स्ट्रक्चर इस तरह, यानी पॉजिटिव न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे सर्कल में इलेक्ट्रॉन। जब मैंने प्लेस किया तो इसकी पोलराइजेशन हो गई, किस तरह हुई है देखें, पॉजिटिव ये आपके हैं नेगेटिव, इसके दरमियान में पोल्स बन गए इसके एटम्स के, यानी हर एटम एक पोल्स में कन्वर्ट हो गया। ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आ गया। मैं बड़े बड़े बना देता हूँ पोल्स, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी इसके सारे एटम्स पोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये बात समझ आई आपको, जब इसको मैंने इंसुलेटर को जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो इसके जो एटम थे इंसुलेटर के वो पोल्स में कन्वर्ट हो गए, यानी इसका जो एटम थे ना पॉजिटिव हो गया अट्रैक्ट होने की वजह से। हाँ ये पॉजिटिव इस अट्रैक्शन की वजह से इस साइड पे हो गया, ये नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड पे हो गया, यानी कि पहले सर्कल में थे अब ये पोल्स में आ गए, न्यूक्लियस यहाँ आ गया और यहाँ पे वो आ गया, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये पोलराइजेशन हो गई, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है टू चार्जेस, डाई मीन टू, इलेक्ट्रिक मीन चार्जेस, ये पोल्स बन गए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पढ़े हैं आप लोगों ने, क्या होते हैं पोलर नॉन पोलर? सर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पोल्स होते हैं और नॉन पोलर्स वो होते हैं जो पोल्स नहीं बनाते।
सर पोलर वो होते हैं जो वाटर में मिसेबल होते हैं, नॉन पोलर वो होते हैं जो वाटर में मिसेबल नहीं होते, ड्यू टू अट्रैक्शन। पोलर में हाइड्रोजन ये बॉन्ड नहीं भैया होती, नॉन परमानेंट बात करो, इनकी क्या इनकी परमानेंट पोलराइजेशन किसकी होती है, पोल की या नॉन पोलर की? पोलर की। पोलर की परमानेंट पोलराइजेशन होती है, जिसमें एन ए सी एल है, एन ए प्लस है और सी एल नेगेटिव है। इनकी जी जो पोलराइजेशन है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इसमें जो है इनकी पोलराइजेशन परमानेंट होती है। हम यहाँ पे नॉन पोलर जो है मटेरियल है वो पुट करते हैं हमेशा, ताकि इसकी पोलराइजेशन हो सके। नहीं समझ आई आपको? दोबारा बताएं बच्चों सर। बात समझ आ गई? अगर हम पोलर ही पुट कर देते तो फिर पोल्स ना बनते। वो परमानेंट पोलराइजेशन है, उसको पोलर बनाने के लिए पोलराइजेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो उनके आइंस बने हुए पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हम नॉन पोलर पुट करेंगे इसकी, उसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करते हैं। अब इस उस सवाल का जो आंसर है यहाँ से आपको मिलेगा। जब कोई हम इंसुलेटर प्लेस करते हैं, इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाती है, जाहिर है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई है, पोल बन गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगी तो कैपेसिटेंस और ज्यादा होगी। ये नियर आ गए ना, नियर अबाउट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव नियर अबाउट आ गए हैं, ये बिल्कुल नियर नजदीक हो गए। तो अट्रैक्शन ज्यादा हुई, फील्ड ज्यादा एक्ट होगी, इस वजह से कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी। ये उस सवाल का आंसर है आपके पास, तो मैंने आपको बताया अभी। आप ऐसे करें, इस टॉपिक को यहां तक रीड करें, यहां तक कर लें, यहां तक, बल्कि यहां तक कर लें इसको रीड, यहां तक इसको रीड करें, आगे फिर मैं समझाता हूँ आपको। यहां तक रीड करें, 44 पेज पे यहां तक रीड करें, शुरू से लेके जो मैंने आपको समझाया अभी। कर लिया रीड सर। इसमें वो कह रहा है मॉलिक्यूल्स इन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैव देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटली साइड मॉलिक्यूल्स साइड इलेक्ट्रिक, हाँ सेपरेट हो जाते हैं वो ना ये। सेपरेट तो जाते हैं, वो एक जगह कहता है कि ये मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फ्रॉम, हाँ ये कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द फ्री चार्जेस इज लेफ्ट टू राइट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इज राइट टू लेफ्ट। इंड्यूस्ड चार्जेस और चार्जेस ये कैसे, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन पेज नंबर 144। हाँ क्या कह रहे हैं आप बताएं, पेज नंबर? अच्छा पेज नंबर 44 फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द फ्री चार्जेस इज लेफ्ट टू राइट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस इज राइट टू ये लेफ्ट। ये हाँ जी, हाँ ये ये वाला, देखे ना, नहीं सेकंड लास्ट लाइन देखें, लास्ट से सेकंड लास्ट लाइन सर जी, लास्ट ये बन रही है फिर।
सर फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट। अच्छा ये नहीं, द हाँ जी इलेक्ट्रिक द फील्ड फ्रॉम द फ्री चार्ज इज लेफ्ट टू राइट, दायरे लेफ्ट टू राइट हो जाएंगे फ्री चार्ज, वर्सेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज इज राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और जो चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं मतलब है कि ये आपके ये लेफ्ट टू राइट बने हुए हैं आपके, ये आपके राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे। देखें पॉजिटिव बना हुआ है लेफ्ट पे, ये नेगेटिव बना हुआ है राइट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट की बात हो रही है। जब ये चार्ज इंड्यूस होंगे तो ये आपके पास राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे, यानी राइट साइड पे पॉजिटिव, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज इंड्यूस हुए इन हुए, यानी चार्ज को जब पोलराइज हुए चार्ज इंड्यूस हो जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज, ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस हो गए आपस, यानी इसमें पोल प्रोड्यूस हो गए। अब ये राइट टू लेफ्ट हो गए, पहले पॉजिटिव लेफ्ट पे था, अब इस पोल में चार्ज है वो राइट टू राइट साइड पे हो गया पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव हो गए। यही बात कर लेफ्ट टू राइट वर्सेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज, चार्ज इसके बीच में मटेरियल के बीच में इंड्यूस होने की वजह से ये चार्ज राइट टू लेफ्ट हो गए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसका चार्ज इस मटेरियल के बीच राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब है, कैसे हो गए क्या? प्लेट्स आपको नजर आ रही है जी, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को राइट, पॉजिटिव जो है वो आपका लेफ्ट है, ये नेगेटिव आपका राइट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट टू राइट, जब फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हुई तब ये राइट टू लेफ्ट हो गए, ये वाले राइट। अब पॉजिटिव राइट पे आ गए, नेगेटिव लेफ्ट पे आ गए, अब ये राइट टू लेफ्ट हो गए, पहले लेफ्ट टू राइट थे अब राइट टू लेफ्ट हो गए। जब चार्ज इंड्यूस वो तो अंदर वाले हैं, लेकिन प्लेट पे तो चार्ज सेम रहेगा वैसे ही, वही तो बात रहेगा और राइट पे नेगेटिव ही रहेगा प्लेट्स पे, प्लेट्स पे तो वही रहेगा, लेकिन जब चार्ज इंड्यूस होगा इसमें तब ये चार्ज राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे, पहले लेफ्ट टू राइट थे प्लेट में, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में। हाँ ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल तो है, ये सारा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर मटेरियल को बोलते हैं, जो इंसुलेटिंग होते हैं मटेरियल उसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। जी जी सर, फॉर एग्जांपल हमारे पास पीस ऑफ पेपर है, इंसुलेटर है, और अगर हम उसको दो प्लेट्स के दरमियान में रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में, तो उसके भी चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, उसके भी पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। असल में ये होती है नॉन पोलराइज मॉलिक्यूल के लिए, इसमें ऑयल हो गया, ये अगर इसको प्लेस करेंगे कोई इंसुलेटर को प्लेस कर दें पेपर को जिसमें आप बात कर रहे हैं, तो सारे जो है डाइपोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सर इसके लिए कितनी वोल्टेज चाहिए होती है प्लेट्स को, प्लेट्स में? यार ये डिपेंड करता है आपकी फील्ड पे, अगर यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसके पोल्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्गली बनते हैं, स्ट्रॉन्गली बनते हैं, जितना इस फील्ड पे इफेक्ट करेगा, ये मटेरियल मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, इसकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है कि ये मटेरियल कितनी फील्ड जो है अब्सॉर्ब करता है और पोलराइजेशन प्रोड्यूस करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके पोल्स बन गए हैं, मतलब चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, कोई चेक करने का तरीका भी होता है? हाँ तो इसको होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो माइक्रोस्कोप वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो एमएससी लेवल पे करेंगे, तो वहाँ पे आपको शो होगा कि आपकी जो मटेरियल है उसकी पोलराइजेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है ऑन द अदर हैंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल like oil has no electric dipole moment in the absence of any an external field, jab external field absence hogi tab polarization nahi hogi iski, the center of positive electric charge coincide in the absence of electric field coincide nahi karenge kyunki electric field isme produce nahi ho rahi, when a non polar specific material is placed in external field, jab non polar material isme place karenge field ke andar, it displaces the electron to the positive of the electric field, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव डिस्प्लेस हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट फ्रॉम डाइपोल्स, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे डाइपोल्स में, ये भी सेम वही बात लिखी हुई, आप इसको रीड कर लें आगे।
टाइम हो गया बच्चों? जी सर। चले इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास हम लेंगे। नहीं सर, 9 मिनट पड़े हैं अभी क्लास खत्म होने में। कितने मिनट पड़े भाई? हो गई है 9 मिनट सर। हो गई जान, 10:20 पे होनी थी सर जी, एंड हो गई है सर। जो प्रॉपर टाइमिंग है ना, इन्होंने वो जो आईडी पे मेंशन की उसके हिसाब से, हां 10:20 पे होनी है। टाइम हो गया बच्चों। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।